पेशे से अध्यापक और महाराज जी के भक्त। भक्त ऐसे कि अपना गुरु और भगवान दोनों महाराज जी को मानते थे। किशनलाल शाह उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले थे। नैनीताल में एक गांव है रामगढ़, कैंची से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां के रहने वाले थे। उस समय महाराज जी की लीलाएं कैंची आश्रम में अनवरत चल रही थी। महाराज जी के पास आते जाते रहते थे। भक्त प्रवृत्ति के आदमी थे तो मन में ये इच्छा पाले थे कि उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उनका सोचना ये था कि सांसारिक कार्य तो ऐसे ही चलते रहेंगे, उनके रहने पर भी और ना रहने पर भी। ज्ञान की प्राप्ति, कि ये जीवन क्यों मिला है, क्या उद्देश्य है, क्या काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस जीवन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा बड़ी तीव्र थी। इच्छा तो ये थी, इसके साथ द्विधा थी कि कोई एक रास्ता उन्हें मिले जिस रास्ते पर वो चलकर ज्ञान की प्राप्ति कर सके, जीवन का उद्देश्य पता कर सके कि जीवन मिला क्यों है, इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है या नहीं है, इस जीवन से पहले भी कोई जीवन था या नहीं, भगवान सही में है भी या नहीं। लेकिन महाराज जी से मिलने के बाद उन्हें ये तो निश्चय हो गया था कि इस संसार में कोई न कोई अदृश्य शक्ति तो जरूर है जो इस संसार को संचालित करती है, और उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग कोई बता सकता है तो वो केवल एक महाराज जी। क्योंकि साहा जी ने महाराज जी की बातों को अक्षर से सत्य होते हुए देखा था, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब पता होता था, तो अपनी इस द्विधा का उत्तर पाने के लिए वो महाराज जी के पास पहुंचते हैं। उस समय महाराज जी कैंची आश्रम के बाहर जो उत्तरवाहिनी गंगा छिप्रा नदी बहती है उस पर पहले लकड़ी का पुल बना हुआ था, उस पुल के ऊपर बैठे थे। साहा साहब महाराज जी के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कुछ समय बातें करने के पश्चात महाराज जी से अपनी द्विधा के बारे में बताते हैं कि सांसारिक मोह में फंसा हुआ हूँ, किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, किस तरीके से मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ। महाराज शाह साहब की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि औरों को माया में फंसा देखता है, माया में नारद जटव्रत, माया में कौन नहीं फंसा है, आज सभी तो माया में फंसे हैं। तो कर्म किए जा, बस तू पुण्य कर्म किए जा। साहब महाराज जी के चरणों में शीश नवाते हैं और वापिस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन साहा साहब जिस मार्ग को ढूंढने गए थे, जिस मार्ग के बारे में पूछने गए थे, वो रास्ता उन्हें अब भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, उनका ठीक से उत्तर उसे नहीं मिल पाया था। अब साह साहब सोचते हैं कि महाराज जी ने टाल दिया, मुझे ठीक से रास्ता नहीं बताया। कुछ दिन बाद दोबारा से महाराज जी के पास पहुंचते हैं। उस समय महाराज जी अपने भक्तों के बीच घिरे हुए बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। साह साहब भक्तों के पीछे की ओर बैठ जाते हैं। कुछ समय महाराज जी भक्तों से बातें करते रहे और फिर साह की तरफ देखते हुए बोले, साह कुछ पूछना है? साहा साहब बोले, नहीं महाराज, कुछ नहीं, बस आनंद ही आनंद है। साहा साहब अपने आनंद की बात कहकर टाल जाते और लेकिन मन में ये सोच रहे थे कि आज तो मैं महाराज जी से इन प्रश्नों के उत्तर लेकर ही जाऊंगा। लेकिन भक्तों के बीच वो अपनी बातें कहने में थोड़ा झिझक रहे थे। कुछ समय महाराज जी भक्तों से बातें करते रहे और फिर अचानक
शाह साहब की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले कि साहा, ये मंदिर मंदिर तू देखता है, ये सब खेल तमाशा है। मोह से त्याग तप से होता है, तपस्या करेगा तो मोह भी होगा। मोह में सब सच लगता है, लेकिन ये सब मिथ्या है। पुण्य जब तेरे खाते में होगा, पुण्य जब तेरे खाते में होगा, तो अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति होती चली जाती है, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। तू पुण्य कर्म किए जा। साहा साहब सुन रहे थे और अन्य भक्त भी सुन रहे थे। साहा साहब को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ। कि भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस्य से, जिस भी विधि से तुम भगवान का, श्री राम का नाम जपते हो, तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग की एक अच्छी बात ये है कि कलयुग में केवल नाम और नाम मात्र जपने से मनुष्य पार हो जाता है। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मित्रों, जब जीवन में नियम बहुत अधिक हो जाते हैं तो वो टूटते जरूर हैं। नियम केवल एक हो या दो हो, जितने निभ सके उतने नियम बनाओ। हम एक दिन नियम बनाते हैं, एक दिन उसकी उसके ऊपर अड़िग रहते हैं, 10 दिन अड़िग रहते हैं, कुछ महीने अड़िग रहते हैं, और उसके बाद वो टूट जाते हैं। नियम केवल एक बनाओ, चाहे वो सुमिरन का हो, चाहे वो भजन का हो, चाहे महाराज जी कहते थे हनुमान चालीसा पाठ का हो, चाहे श्री राम नाम के सुमिरन का हो। नियम एक बनाओ जो टूटने ना पाए। बहुत सारे नियम अक्सर टूट जाते हैं। श्री राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। फिर महाराज जी भी तो हमेशा राम राम का सुमिरन करते रहते थे। क्यों करते थे? उनके तो अनेक रूप थे, किसी एक रूप में कर लेते या अनेक रूप में कर लेते, लेकिन भक्तों के सामने होते थे तब क्यों करते थे? महाराज जी जो क्रियाएं करते थे, महाराज जी जो जिस तरीके से बर्ताव करते थे, सबसे प्रेम करते थे, सबको खाना खिलाते थे, उसमें यह संदेश भक्तों के लिए भी होता था कि उसका अनुसरण करें। यही जीवन का सत्य है। जिस इंसान ने सब कुछ जान लिया हो, उसके बाद वो जो कर्म कर रहा है, वो कर्म ही सच्चे होते हैं। वो सच्चे कर्म करता है। वो माया में फंसने वाले कर्म या कोई किसी से प्रभावित होके करने वाले कर्म नहीं थे। उनकी अगर इच्छा नहीं होती थी तो वो प्रधानमंत्री से ना मिले। उनकी इच्छा नहीं होती थी तो किसी से ना मिले, लेकिन प्रेमवश उन्हें जिससे मिलना होता था वो मिलते थे। उन्हें जो कर्म करने होते थे वो कहते थे कि मैं इस दुनिया में केवल धर्म को बढ़ाने आया हूँ। तो धर्म से बंधे हुए जो कर्म है वो कीजिए। भूखों को भोजन कराइए। कुछ लोग बाहर ढूंढने निकल जाते हैं कि कोई भूखा मिलेगा तो उसको भोजन कराऊंगा। सबसे पहले अपने आश्रितों को भोजन कराइए, उनके साथ प्रेम से रहना सीखिए। अपने माता पिता, अपने परिवार को संभाले बिना जो आप पर आश्रित है उसको भोजन दिए बिना अपने माता पिता को भोजन नहीं दे रहे,
और बाहर जाके किसी अन्यत्र किसी भूखे को ढूंढ रहे हो, उसको भोजन देने का प्रयास कर रहे हो ताकि आपके खाते में पुण्य लिखा जाए। अपने आश्रितों का सबसे पहले ध्यान रखिए, ध्यान रहिए कि जरूरतों का ध्यान ऐश्वर्य और अभिलाषाएं तो कभी पूरी नहीं होती। भोजन पानी प्रेम इन सब का ध्यान रखिए। उसके बाद एक बार खेमुआ कैंची में रसोईया था, कैप लगाता था, पुलिस की टोपी पहनता था, किसी बात पर किसी के साथ झगड़ा हो गया। बाबा के अनन्य भक्त, बाबा जिन्हें दादा कहते थे मतलब बड़ा भाई, महाराज जी के अनन्य भक्त थे तो उनकी खेमुआ से काफ़ी अच्छी बनती थी। दादा सुधीर मुखर्जी सिगरेट पीते थे और जब वो सिगरेट जलाते थे तो एक खेमुआ के लिए भी जलाते थे। महाराज जी कहते थे कि दादा आप जाएंगे, एक सिगरेट खुद के लिए जलाएंगे और एक खेमुआ के मुंह में डाल देंगे। तो खेमुआ की किसी के साथ कैची आश्रम में कहा सुनी हो जाती है। महाराज जी उसे कैची आश्रम से बाहर, कैची आश्रम के पास ही नीचे की तरफ 100-200 मीटर दूर गौशाला है, उसमें भेज देते हैं गऊओं की सेवा करने के लिए कि अब तू आश्रम में नहीं घुसेगा, वहाँ सेवा कर गऊओं की। खेमुआ नहीं मानता है, कैची आश्रम में ही रहता है। महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये जाता ही नहीं है, ये यहाँ से जाता ही नहीं है। और अंत में आश्रम के कुछ लोगों ने उन्हें गौशाला में शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर वो गौओं की सेवा करता था। सुबह शाम अपना खाना लेने के लिए मंदिर में आता था और अपना गेट से ही उसे खाना दे दिया जाता और वहीं से वापस कर दिया जाता। एक बार ऐसा हुआ कि रात को महाराज जी सिसक सिसक कर रोने लगे और बहुत देर तक रोते रहे। सब लोग पूछते रहे और काफ़ी देर रोने के बाद महाराज जी ने बताया कि आज खेमुआ को भोजन नहीं मिला। वो काफ़ी देर तक गेट पर खड़ा रहा लेकिन उसे भोजन नहीं मिला, वो वापस चला गया। रात के 1-2 बज चुके थे, उन्हें आश्रम के लोग भोजन देना भूल गए। वो प्रतीक्षा करके वापस चला गया तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी अब उसे भोजन दे आते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा कि वो अब नहीं खाएगा। महाराज जी ने कहा कि ये बड़ा दुखदाई है कि हमारे ऊपर जो आश्रित है हम उसको भोजन देना भूल जाए, बड़ा दुखदाई। अपने बच्चों को हम भूखा नहीं सुला सकते, अगर हमारा बच्चा गेट के पास खड़ा होकर भोजन की प्रतीक्षा करता हुआ वापस चला जाए तो हम भी रोएंगे। महाराज जी के लिए हम सब बच्चे हैं और हम पर ही आश्रित हमारे माँ बाप हैं, उनको भोजन नहीं देकर अगर तुम भूखों की तलाश में जाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लिखा जाएगा खाते में। भगवान श्री राम ने भी कहा है सुंदरकांड में कि कोटि विप्रवद लाग ही जाऊं शरण आए तज हू नहीं ताहू, कि शरण आए हुए अपने शरणागत का, अपने शरणागत को त्याग कर अगर कहीं दूसरे को ढूंढते हुए पुण्य कमाने की कोशिश करोगे तो कोटि विप्र साधुओं का, कोटि कोटि साधुओं का वध करने जितना
पाप लगता है। कोटि विप्रवध लाग ही जाऊँ, शरण आए तज हूँ नहीं ताहूँ। तो भक्तों, महाराज जी की सीख यही है कि पुण्य कर्म करते रहें। महाराज जी श्री राम का नाम अनवरत रटते रहते थे, श्री राम 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 राम। एक नियम बनाए, भगवान श्री राम का नाम सुमिरन करे, गुरुदेव का नाम सुमिरन करे, गुरुदेव के चरणों में दीन हीन बनकर बस उनके ऊपर अपने जीवन का भार छोड़ दें, उनके जीवन का अनुसरण करें, पाप कर्मों से बचते रहें। एक दिन श्री चरणों की रज जरूर आपके श्री मस्तक पर शोभित होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम, जय श्री गुरुदेव।